हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल क्रांति में। दोस्तों, एक जानकारी आपको यहाँ पर जो है काफ़ी समय पहले, लगभग 5 महीने पहले यहाँ पर जो है दी गई थी, जिसमें कि दोस्तों हमारे द्वारा वैकेंसी की जानकारी दी गई थी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अंतर्गत एक वैकेंसी आई थी, जिसके बारे में यहाँ पर डिटेल में आपको जानकारी पहले दी गई थी। उसी के संबंध में दोस्तों एक बहुत अच्छी अपडेट लेकर आए हैं। इसके संबंध में आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास करेंगे, किस प्रकार से ये प्रक्रिया थी और किस प्रकार से इस दोस्तों यहाँ पर प्रक्रिया की गई है। उसके संबंध में दोस्तों यहाँ पर टूटी जानकारी के लिए देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये जो वैकेंसी थी, इसका यहाँ पर थंबनेल भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर जो है वैकेंसी थी टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्निकल इसके अलावा सीनियर असिस्टेंट, इसके अलावा ऑफिस असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर। ये वैकेंसी अभी दोस्तों आपको दिख रही होगी। इस वैकेंसी की, इस वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पर दे दी जाएगी, आप जाकर यहाँ पर जो है देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इस वैकेंसी से संबंधित सारी जानकारी आपको यहाँ पर वीडियो के माध्यम से यहाँ पर जो है डिटेल में देख सकते हैं, जिसमें कि आपको डिस्क्रिप्शन में ये वीडियो आपको मिल जाने वाली है। और साथ ही साथ दोस्तों इस वैकेंसी से संबंधित क्या अपडेट निकल कर आई है, उसके बारे में जानकारी देंगे। हमारे चैनल के द्वारा यहाँ पर जो है जो भी वैकेंसी ले ली जाती है, उसकी सारी अपडेट देने का प्रयास यहाँ पर जो है रहता है। उसी लीग में दोस्तों आपको यहाँ पर जो है इस वैकेंसी से संबंधित आगे की अपडेट देने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, उसके लिए आप आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर जो है क्या अपडेट आपके लिए निकल कर आया है। तो दोस्तों यहाँ पर दोबारा से आपको पोस्ट बता देते हैं कौन कौन सी पोस्टें थी। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, जिसमें कि 3 पोस्ट है। इसके अलावा ऑफिस टेक्निकल अटेंडेंट की पोस्ट है, जिसमें कि 2 पोस्ट है। इसके अलावा 3 पोस्ट डेवलपर की है। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट है। इसके अलावा यहाँ पर सिस्टम एनालिस्ट की पोस्ट है, क्वालिटी कंट्रोलर की पोस्ट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है, ऑफिस असिस्टेंट AG3 की पोस्ट है। इसके अलावा हेल्पर की पोस्ट है। इसके अलावा आई टी ऑफिसर टेक्निकल असिस्टेंट, और यहाँ पर कुछ रिटायर्ड कैंडिडेट की भी पोस्ट है। इसमें दोस्तों आप यहाँ पर पोस्ट पर नज़र डालेंगे इसमें दोस्तों आप यहाँ पर पोस्टों पर नज़र डालें तो यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट की यहाँ पर 217 पोस्ट आपको नज़र आ रही होगी। इसके अलावा यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट की भी 171 पोस्ट नज़र आ रही होगी। इसी में दोस्तों यहाँ पर जो है 53 पोस्ट सिस्टम एनालिस्ट की भी यहाँ पर दिख रही होगी। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर देखें आप तो यहाँ पर ये जो टेंडर प्रक्रिया है, ये 21 अप्रैल से यहाँ पर जो है शुरू हुई है, जिसमें कि आपको यहाँ पर अप्रैल में ही ये वीडियो के माध्यम से जानकारी दी गई थी इस वैकेंसी के बारे में। और दोस्तों यहाँ पर इस प्रक्रिया को चलते हुए यहाँ पर जून में भी प्रक्रिया चली है, उसके बाद मई में भी कुछ यहाँ पर जो है इनकी जो बिड होती है वो यहाँ पर, और फाइनल तरीके से दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे होंगे 1 सितंबर को दोस्तों यहाँ पर जो है ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पर जो है ख़त्म हुई है। और इसके बाद यहाँ पर जो है कंपनी का नाम जो है फाइनलाइज हुआ है, कौन सी कंपनी है उसको भी यहाँ पर देखेंगे आगे। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 1 सितंबर आपको यहाँ पर जो है नज़र आ रहा होगा, 1 सितंबर, जिसमें कि दोस्तों यहाँ पर जो है ये प्रक्रिया ख़त्म हुई है और आपके लिए जानकारी हमारे द्वारा लेकर आए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अब 1 सितंबर को ये प्रक्रिया कम्प्लीट होने के बाद फाइनल हुई है एक कंपनी, उस कंपनी को नाम भी यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये प्रक्रिया में आप यहाँ पर जो है बिडर नेम या कंपनी का नाम यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा स्पष्ट रूप से TM सर्विस कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये दोस्तों यहाँ पर जो है कंपनी है जिसको ये टेंडर प्रक्रिया के लिए टेंडर दिया गया है, जिसके द्वारा ये सारी वैकेंसी को यहाँ पर फिल किया जाएगा। अब दोस्तों इस प्रक्रिया में किस प्रकार से यहाँ पर फिल की जाती है इस भर्ती को, जो कि 550 पदों पर हैं, और इसमें डिटेल में आप जानकारी जानना चाहते हैं कौन कौन सी पोस्टें हैं, क्या क्या योग्यता हैं, तो वो इस वीडियो में नहीं बता पाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। बाकी दोस्तों आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है, जिसमें कि यहाँ पर डिटेल में जानकारी दी गई है कि क्या योग्यता इसके अंतर्गत मांगी जाएगी, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो, वो जो पुरानी वीडियो थी उसको कुछ अंश को यहाँ पर इस वीडियो के साथ भी जोड़ दिए जाएंगे, जिससे कि आप यहाँ पर जान सकें। इस जानकारी को दोस्तों यहाँ पर ऑफिशियल एक PDF के माध्यम से भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं, आप यहाँ पर दिख रहा होगा यहाँ पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अंतर्गत यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एप्लीकेशन है, जो कि इसमें लिखा गया है टू द रीजनल मैनेजर, जो कि किस कंपनी का है, TM सर्विस कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी दोस्तों यहाँ पर जो कंपनी है ये यहाँ पर मुंबई से रिलेटेड है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर होगा, और इसका ईमेल ID भी आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। इसके लिए यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं रिगार्डिंग द एस्टिमेटेड टेंडर एंड प्रोवाइडिंग द टेक्निकल पावर सर्विस हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट, यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश की सभी कोर्टों में यहाँ पर जो है इसे उपलब्ध करानी है। यहाँ पर पद भी देख सकते हैं सीनियर टेक्निकल, सीनियर डेवलपर, यहाँ पर जो है सिस्टम एनालिस्ट, लीगल, क्वालिटी कंट्रोल, इसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर, ऑफिस असिस्टेंट। इसके साथ साथ दोस्तों बहुत सारे यहाँ पर जो है पोस्ट हैं, और ये सारी प्रक्रिया यहाँ पर रजिस्ट्रार के थ्रू हो रही है। रजिस्ट्रार ने ही इस टेंडर को यहाँ पर फाइनल किया है और अब यहाँ पर जो है निर्देश जारी किए हैं। अब दोस्तों इसमें आपको किस प्रकार से यहाँ पर ज्वाइनिंग लेना होगा,
छत्तीस सरकार से इस नौकरी को आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर, यदि आप कोर्ट में कोई भी कैंडिडेट है तो आपको उनसे जानकारी उठानी चाहिए। फिलहाल दोस्तों आपको यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो पर छोड़ जाते हैं, जो कि इसी में जोड़ दी गई है, जो कि पुरानी वाली वीडियो है, जिसमें कि दोस्तों आपको कुछ डिटेल, कुछ जानकारी यहाँ पर जो है इस वैकेंसी से संबंधित मिल पाएगी। डिटेल में जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर जो है लिंक दे दी जाएगी, वहाँ से आप ले सकते हैं। और इसमें किस प्रकार से यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में यदि कोई भी जानकारी मिलती है तो आपको ज़रूर ला के देंगे। आप यदि यहाँ पर जो है कुछ भी कोशिश करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर हाई कोर्ट में जाकर यहाँ पर जो है, या अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं कि इस कंपनी के द्वारा किस प्रकार से यहाँ पर जो है सिलेक्शन प्रोसेस की जा रही है, क्या इंटरव्यू हो रहा है, या यहाँ पर क्या कहीं रिज्यूम यहाँ पर जमा किए जाना है। आप यहाँ पर जानकारी लीजिए, हमें कोई मिलती है जानकारी तो आपको ज़रूर देंगे। आपको कोई जानकारी मिले तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये दोस्तों उसमें लगभग लगभग यहाँ पर 550 पोस्टों पर वैकेंसियाँ हैं, 550 प्लस यहाँ पर पोस्ट है। और इन सभी वैकेंसियों में जो ज्वाइनिंग रहने वाली है वो दोस्तों आपकी, सबसे पहले तो दोस्तों जो आपके खंडपीठ है हाईकोर्ट के साथ साथ दोस्तों जो हाईकोर्ट का सेंटर है जबलपुर, इन तीनों में तो रहेगी। इसके साथ साथ दोस्तों आपकी यहाँ पर ज्वाइनिंग आपको हर जिले में मिलने वाली है। यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है वो भी यहाँ पर जो है दी गई है, इनके अंतर्गत भी ज्वाइनिंग होगी, क्योंकि आपके यहाँ पर जो है आपकी 50 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इन सभी के अंतर्गत भी यहाँ पर ज्वाइन करने वाली है। इसके अलावा दोस्तों आप जो है आपके लोकल में भी ज्वाइनिंग मिल सकती है, जिस प्रकार से जो है तहसील वाली जो कोर्ट होती है उनकी भी यहाँ पर लिस्ट दी गई है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं अलीगढ़ में आप जोबट है, कोटा है, इसके अलावा यहाँ पर राज्य, इसके अलावा मुंगेली है, इस प्रकार से दोस्तों आप जो तहसील की कोर्ट होती है उन सभी में भी यहाँ पर आपका सेंटर दिया है। जिस प्रकार से आप यहाँ पर इंदौर में देख पाएंगे, यहाँ पर हथौड़, यहाँ पर महू, यहाँ पर जो है सनबर, इस प्रकार से दोस्तों यहाँ इंदौर की जो सिविल कोर्ट है उनके लिए भी यहाँ पर वैकेंसियाँ हैं। और ये जो टोटल ये आपकी तहसीली वाली कोर्ट है इनके लिए दोस्तों यहाँ पर टोटल 153 यहाँ पर वैकेंसियाँ रखी गई है। 153 यहाँ पर जो है कोर्ट है तहसील वाली, इन सभी के अंतर्गत दोस्तों वैकेंसी रहेगी, जो कि 550 पोस्ट है और अलग अलग पोस्ट है। सभी पोस्टों की जानकारी दोस्तों देखने को देखने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे सीनियर टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट रहेगी, जो कि आपकी 3 पोस्ट रहेगी और यहाँ पर 44,000 यहाँ पर पेमेंट रहेगी मंथली। इसके अलावा सीनियर ऑफिसर की रहेगी, टेक्निकल असिस्टेंट रहेगी, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर सिस्टम एनालिस्ट की 53 पोस्ट रहेगी, जिसमें कि 31,460 पेमेंट रहेगी। इसके अलावा लीगल क्वालिटी कंट्रोल सुपरवाइजर की 10 पोस्ट रहेगी, जिसमें कि 24,200 पेमेंट रहेगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर जेजेबी की भी 1,000 पेमेंट यहाँ रहेगी। ऑफिस असिस्टेंट AG3 लेवल की पोस्ट रहेगी, पोस्ट रहेगी जिसमें कि 35,000 के लगभग पेमेंट रहेगी। आईटी ऑफिसर टेक्निकल असिस्टेंट जिसमें कि दोस्तों 217 पोस्ट रहेगी और इसमें दोस्तों यहाँ पर जो है 31,460 पेमेंट रहने वाली है। रिटायर्ड, यहाँ पर रिटायर्ड कैंडिडेट की भी पोस्ट है, जो कैंडिडेट रिटायर्ड होते हैं उनके लिए भी यहाँ पर ये सारी पोस्ट है, जिसमें कि 10 पोस्ट यहाँ पर रिटायर्ड सेक्शन ऑफिसर की, AG3 बन से कोई रिटायर्ड हुआ था उसके लिए 64 वैकेंसी है, 51 दोस्तों रखी हो, साथ में दोस्तों आपको 3 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, या तो लैन पर या DBA पर या टेक्निकल यहाँ पर जो है सपोर्ट इन हार्डवेयर पर, तो दोस्तों आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो सेकेंड पॉइंट है वो ये है कि आपका किसी भी जगह केस नहीं होना चाहिए, आप यहाँ पर जो है आपका जो चरित्र है वो स्पष्ट होना चाहिए, जो कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर सेकंड देखें, सीनियर ऑफिसर या टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, इसमें भी दोस्तों BE, BTech या MSc मांगी गई है, कंप्यूटर साइंस से या इलेक्ट्रॉनिक्स से या IT से, वही की वही योग्यता रखी है, जो कि आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी आपको होना चाहिए। नेटवर्क और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज दोस्तों आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस, आपने MCA कर रखा हो तो दोस्तों यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर, आपकी 25 साल मिनिमम एज होनी चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर रिलेवेंट फील्ड में यहाँ पर कहा गया है, तथा आपको कंप्यूटर पर काम करने का यहाँ पर नॉलेज आपको होना चाहिए, जिसमें कि यहाँ पर टाइपिंग गति भी लिखी गई है 5,000 कीवर्ड की डिफ्रेशन पर हवर, और यहाँ पर जो है MS ऑफिस, एक्सेल और पावर पॉइंट पर आपको काम करने का अनुभव वहाँ पर होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर अनुभव की बात नहीं की गई कि कितने साल का चाहिए, यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस की बात कर दी गई है। डिप्लोमा होना चाहिए, इसके अलावा यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट का आपको ज्ञान भी यहाँ पर होना चाहिए। इसके अलावा बात करें हेल्पर की, हेल्पर के लिए कम से कम आपकी 18 साल एज होनी चाहिए, मिनिमम आपको 10वीं पास होना चाहिए, और साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पर जो है आपका चरित्र यहाँ पर सही होना चाहिए। करेक्टर सर्टिफिकेट जो है आपका गजेटेड ऑफिसर से आपको बनवाना होगा, जो कि आपका चरित्र सही बताएगा। इसके अलावा BE, BTech यहाँ पर जो है मांगा गया है IT ऑफिसर के लिए, इसमें कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स या IT से होना चाहिए, या MCA कर रखा हो, 3 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मैंडेटरी किया गया है। इसके बाद बात करें IT या टेक्निकल असिस्टेंट की, जिसमें कि दोस्तों आपके पास BC है, तो ये टोटल आप वैकेंसी जोड़ेंगे तो लगभग लगभग यहाँ पर जो है 500 के अप्रोक्स ब्रांच में, मतलब आपकी तहसीली में। इसके अलावा तहसील के लिए यहाँ पर जो यहाँ पहले लिया जाएगा उस कंपनी की यहाँ पर बिड फाइनल होगी, और दोस्तों यहाँ पर जो है कंपनी का नाम यहाँ पर फाइनल होने पर आपको हमारे चैनल के द्वारा यहाँ पर बताया जाएगा।